बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका स्वाति यादव। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 21। पार्ट का नाम खरगोश ने रंग लगा लिया। किसने रंग लगा लिया? खरगोश ने। तो आज हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, एक खरगोश को अपना सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। जो खरगोश था उसको अपना सफेद रंग बिल्कुल नहीं पसंद था। एक दिन उसे रंग के कुछ डिब्बे मिले। जो खरगोश था उसे अपना सफेद रंग नहीं पसंद था, तो उसे कुछ रंग के डिब्बे मिले। उसने सोचा, मैं खुद को रंग लगा लेता हूँ। वहीं पास के एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। जो खरगोश था उसको जो रंग के डिब्बे मिले थे, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलो मैं खुद को एक रंग लगा लेता हूँ। तो वहां पे एक तोता भी बैठा था ना, वहीं के पास में। तो मेरा हरा रंग कितना सुंदर है, तुम भी हरे रंग के हो जाओ। जो तोता पेड़ पे बैठा था उसने खरगोश से बोला कि मेरा हरा रंग बहुत सुंदर है और तुम भी हरा रंग लगा लो। तो उसने बोला, किसने? खरगोश ने बोला, अच्छा ठीक है। खरगोश ने बोला अच्छा ठीक है। तो इसके बाद खरगोश ने खुद को हरा रंग लगाया और वहां बाहर निकला। उसे एक बंदर मिला। जो खरगोश था उससे रंग का डिब्बा मिला था। उसने सोचा चलो मैं एक रंग खुद लगा लेता हूँ। तो तोता वहां पास में बैठा था, उसने बोला कि मेरा हरा रंग सुंदर है ना, तुम वो लगा लो। तो खरगोश ने क्या कहा कि चलो अच्छा ठीक है, मैं लगा लेता हूँ। तो वहां जैसे वो बाहर निकला तो उसे क्या मिला? दे बंदर मिला। ये बंदर है ना, बंदर उसको मिला। फिर अरे खरगोश भैया, हरा रंग कितना गंदा लग रहा है। तो बंदर ने क्या बोला? अरे खरगोश भैया, हरा रंग कितना गंदा लग रहा है, तो तुम मेरे जैसे भूरे हो जाओ। तो फिर उसने क्या बोला कि तुम मेरे जैसे भूरे रंग हो जाओ। पहले तोते ने बोला कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। फिर किसने बोला? फिर बंदर ने बोला कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि खरगोश पहले सफेद था, उसके बाद हरा हो गया। फिर उसको बंदर मिला, बंदर ने भी यही बोला। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है चलो, उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, ये भी कर लेता हूँ। फिर अब खरगोश ने खुद को भूरा रंग लगा लिया। फिर खरगोश ने क्या किया? पहले हरा लगाया, फिर उसने भूरा लगा लिया। फिर उसे एक हिरन मिला। फिर खरगोश को कौन मिला? हिरन मिला। तो हिरन ने बोला छी। हिरन ने क्या बोला? छी, भूरे रंग का खरगोश। हिरन ने बोला छी, भूरे रंग का खरगोश। अगर रंग लगाना था तो मेरे जैसा सुनहरे बन जाते। फिर हिरन ने क्या बोला कि तुम्हें अगर रंग ही लगाना था तो मेरे जैसा रंग लगा लेते, सुनहरे बन जाते। तो अच्छा, खरगोश ने बोला अच्छा मैं सुनहरा रंग लगा लेता हूँ। फिर खरगोश ने क्या बोला? अच्छा चलो मैं सुनहरा रंग लगा लेता हूँ। फिर खरगोश ने खुद को सुनहरे रंग का रंग लगा लिया और वह बाहर निकला। उसे एक भालू मिला। फिर उसे एक भालू मिला। पहले उसको तोता मिला, फिर उसको हिरन मिला, फिर अब उसको भालू मिल गया। तो फिर उसने क्या किया? उसने सुनहरे रंग के आंखों में कितना चुभ रहा है। किसने बोला ये चीज? भालू ने। उसे बाहर भालू मिला था ना, उसने क्या बोला? सुनहरे रंग आंखों में कितना चुभ रहा है, तुम मेरे जैसे काले हो जाओ और कभी मैले नहीं लगोगे। फिर भालू ने क्या बोला कि तुम मेरे जैसे काले हो जाओ तो तुम कभी भी गंदे नहीं लगोगे। तो खरगोश ने फिर क्या किया? सोचो क्या किया? यस, फिर उसने अच्छा हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं काले रंग का लगा लेता हूँ। देखो यहाँ पे खरगोश भूरे रंग का दिख रहा है ना, सुनहरे रंग का। फिर उसने बोला कि चलो मैं काले रंग का हो जाता हूँ। तो आज हमने फिर क्या पढ़ा कि जो खरगोश था उससे रंग के डिब्बे मिले थे। उसने सबसे पहले तोता से मिला, तोता वाले कलर का हो गया, हरे रंग का। इसके बाद उसे कौन मिला? चित्र में क्या दिख रहा है? बंदर। बंदर किस कलर का था? उसने अपने को बंदर जैसे कलर का कर लिया। किस कलर का? बंदा जैसे कलर का, भूरे कलर का। फिर उसने जब देखा हिरन ने, तो हिरन ने कहा तुम मेरे जैसे कलर के हो जाओ, सुनहरे कलर के। उसने सुनहरे कलर कर लिया। फिर उसे भालू मिला, भालू ने कहा तुम मेरे जैसे कलर हो जाओ, तो वो काले रंग का हो गया। इस तरह उसने अपने आप को चार कलर में अलग अलग कर लिया। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा। इसी के आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग ये स्टोरी पढ़िएगा।
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की कंटिन्यूएशन वाली स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग एक बार पढ़िएगा और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।